थाने की पुलिस ने अंतर जनपदीय गड्डीबाज गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 4 सक्रिय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 12 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस, 1 अदद चाकू, गांजा और घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ऑटो को बरामद किया है। आपको बता दें, पकड़े गए शातिर गड्डीबाज एक संगठित गिरोह चलाते थे जिनका संचालन रवि डोम करता था। यह लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि जगहों पर संगठित होकर घटनाओं को अंजाम देते थे और लोगों को गड्डीबाजी के जाल में फंसा कर उनके रुपये पैसे सहित अन्य जरूरी सामान लेकर चंपत हो जाते थे। इन लोगों के ऊपर पहले से भी कोतवाली, तिवारीपुर और कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस ने इनके पास से 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 12 बोर, चाकू, गांजा और घटनाओं में इस्तेमाल करने वाले टेम्पू बरामद किया। वहीं मामले का खुलासा करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि लंबे समय से गड्डीबाजी और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर गड्डीबाज गैंग को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। आज इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट रवि कुमार राय, चौकी प्रभारी रेलवे अक्षय कुमार मिश्रा, विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी विंध्याचल शुक्ला सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, ये थाना कैंट पे कुछ लोग पकड़े गए हैं जिनका मुख्य काम गड्डीबाजी था। ये लोग अक्सर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के आसपास रहते थे। वहाँ से कोई व्यक्ति उतरता था तो उसके पीछे पीछे लग लेते थे कि कहाँ जाना है। वो जहाँ बताता, इनके साथ टेम्पो वाला भी एक आध व्यक्ति होता था, उसको अपनी गाड़ी में बैठा लिए। उसके बाद अक्सर गड्डीबाजी प्रयास करते थे, कहीं गड्डी गिरा दी, उसको पैसे की लालच देने का प्रयास। अगर लालच नहीं हुआ तो टेम्पो बैठा लिए और प्यार से पैसा निकालने का प्रयास करते थे। लेकिन अगर वो भी नहीं हुआ तो ज़बरदस्ती सुनसान जगह पर पैसा निकाल के इनको कहीं ना कहीं उतार देते थे और चले जाते थे। इन पर पहले भी काफ़ी मुकदमा पंजीकृत हैं, थाना कोतवाली में, कोतवाली सर्किल में पंजीकृत हैं। ये विशेषकर तिवारीपुर तरफ के रहने वाले हैं। पहले मुकदमा पंजीकृत है, यहाँ भी मुकदमा पंजीकृत है और भी इनकी तलाश की जा रही है ताकि पूरे कर्तव्य देंगे और उनका अरेस्ट। इनके ऊपर इनके पास एक टेम्पो भी मिला है, जो टेम्पो लिए, जो मतलब टेम्पो कार्य करते थे, उस टेम्पो बरामद हुआ है। साथ ही उस व्यक्ति का जो आधार कार्ड पर्स लिए थे, जिस व्यक्ति छीने थे, वो भी बरामद हुआ है। उससे जो पैसे थे वो बरामद हुए हैं। गड्डियाँ बरामद, जो गड्डीबाजी करते हैं वो गड्डियाँ बरामद हुई हैं। साथ ही जो हथियार और सटा देते थे सुनसान जगह पे ले जाके, तमंचा चाकू, वो भी बरामद हुआ है। निश्चित रूप से ये काफ़ी बड़ा एक गिरोह है जिसमें कई टुकड़े में बनके कार्य करते हैं और लोगों की पहचान की जा रही है। कुछ लोग और भी पूछताछ के लिए लाए गए हैं, उनका भी अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनके भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक तो मुख्य जितने भी कार्य आए हैं वो गोरखपुर जनपद में ही आए हैं, खासकर रेलवे स्टेशन और बस अड्डा ही इनका केंद्र बिंदु था। बिल्कुल, अभी 19 तारीख को ही घटना, जो पकड़े गए हैं 2 दिन पहले ही घटना अंजाम दिया। एक व्यक्ति पंजाब से ट्रेन से आया, जैसे उतरा उसके पीछे लग गए, उसी घटना में ये लोग गिरफ्तार किए गए।